साथियों अमृत महोत्सव के इन आयोजनों के बीच देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए हैं हम सबको अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जरूर बताना चाहिए इनसे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्साह जगेगा देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है इसी तरह मणिपुर की 77 साल की बिनो बिनोदेवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने के लिए पद्म सम्मान मिला है पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं इन्हें कुछ लोग टर्न मैन भी कहते हैं उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हो रहा है ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा